नमस्कार, स्वागत आप सभी का। खबर दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बात सबसे पहले चुनाव की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह चुनाव हैं और वादे दावे लगातार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो घोषणा पत्र भी दोनों दलों का जारी हो चुका है और घोषणा पत्र पर अब तंज कसा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के चुनावी वादे पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और यूपी के गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने बिलासपुर के बेलतरा और बिल्हा के वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया और यहां पर वो मंच से प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ को मिली राशि को बघेल ने लौटा दिया। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को विकास की पटरी से कांग्रेस ने डीरेल किया है। वे ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देगी। भाजपा के कार्यकाल में हमने छत्तीसगढ़ की ग्रोथ देखी, वही ग्रोथ अभी तक रही, लेकिन इस 5 साल में जैसे इस छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का प्रयास किया, इसको लूटने का प्रयास किया, यहाँ भ्रष्टाचार की चरम सीमा रही, केंद्र की हमारी मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आम गरीबों तक इसलिए नहीं पहुँचने दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है, उनको प्रॉब्लम है। जहाँ की विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, पूरे विश्व को हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से प्यार है, सम्मान है, और आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी को ये प्रॉब्लम था क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर तो इन लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए का सारे जगह पर नाम लगा के एक चिन्हित स्टैंप किया था कि गांधीवाद से ही पूरा, ऐसे गांधी परिवार से ही भारत लगता था, वो हुआ। सबसे एक और एक हमारे मोदी जी की गारंटी, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ मीडिया के सामने। छत्तीसगढ़ी में महतारी को नारी के स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये, मतलब साल के 12,000, अगर वो घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी, तो प्रत्येक महिला को, हर बेटी को, हर बहन को 1,000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है। इधर यूपी के गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम बघेल पर आरोपों की बौछार तो की, तो कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाबी हमला भी लाजमी था, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रवि किशन के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि भूपेश बघेल चुनौती से घबराता नहीं है, गरीबों की आवाज के मुद्दे पर मैं खुली बहस के लिए तैयार हूं, रवि किशन जहां चाहें इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। तो अमित शाह ने मुझे चुनौती दी थी पंडरिया में और मैंने कहा था कि स्थान और समय दोनों आप तय कर लीजिए, भूपेश बघेल चुनौती से घबराता नहीं, बहस के लिए हम तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ में पहला चरण संपन्न हो चुका है तो दूसरे चरण के लिए जोर भी लग रहा है। दूसरे चरण के लिए जारी चुनाव प्रचार और आरोप प्रत्यारोप के बीच कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है और कहा है कि पहले चरण यानी फर्स्ट फेज में जो मतदान हुआ है उसमें कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे आपको बता दें कि पिछला जो डेटा था, पिछला आंकड़ा जो था वो था कांग्रेस 19 और बीजेपी 1, और अब क्या वो कह रही हैं कि कांग्रेस ने इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले चरण में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बहुमत भी हासिल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, विश्वास है कि हम ज्यादा सीट लेकर आएंगे। तो उनको कहना पड़ रहा है जबकि सबको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारा काम और काम के दम पर और लोगों का रुझान, लोगों का आप जब रिस्पॉन्स देखते हैं वो देखिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। क्या कारण है कि खुद यहाँ पर आकर मोदी जी को अपनी गारंटी देनी पड़ी? क्या कारण था? वरना 15 साल का आप अपना काम दिखाते, आपके लोकल नेताओं का काम दिखाते, कुछ तो हो यहाँ छत्तीसगढ़िया बात तो दिखाएं। छत्तीसगढ़िया बात तो कुछ भी नहीं है और माननीय गृह मंत्री जी भी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी के काम और छत्तीसगढ़ के काम, ये क्या कंपैरिजन करना चाह रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ के काम है ये बात तो मान गए, इसका मतलब आप तो हम अपने काम के बूते पर और अपने नेतृत्व के बूते पर हम ये चुनाव जीत रहे हैं और फर्स्ट फेज के बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले। और रायपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी पार्टी के चुनावी वादे को प्रदेश की जनता के लिए फायदेमंद बताया।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार जब दोबारा सत्ता में चुनकर आएगी तो पूरे देश में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में ही दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो बात की है, 500 रुपए गैस सिलेंडर नहीं देगी कांग्रेस, 500 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी देगी और इस हिसाब से 450 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा। जबकि बीजेपी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा जो किया है वो झूठा किया है, क्योंकि बीजेपी केवल और केवल कुछ चुनिंदा वर्ग के लिए ये ऐलान कर रही है, बीपीएल के लोगों के लिए ही ऐलान कर रही है, हम सभी को देंगे वो क्या। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ पूर्ण तरीके से मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साथ खड़ी है और मुझे बेहद गर्व हो रहा है और बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है आपके सामने ये घोषणा करते हुए कि चुनाव के बाद जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा मिलेगी तो पूरे देश में अगर सिलेंडर के दाम सबसे कम कहीं होंगे तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में होंगे, किसी भी राज्य में इस देश में कहीं पे इतने कम सिलेंडर के दाम नहीं है। चेहरा यहाँ पे उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि मोदी जी शायद मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पे रेस में होंगे, साइन करके दे दिया कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अब पूरे देश के लोगों को इससे क्यों वंचित रख रहे, ये पूरे देश के लिए भी निकाल देते, लगे हाथ पूरे देश में ही 500 रुपए का सिलेंडर कर देते, पर ऐसा नहीं करेंगे। वो जानते हैं ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना यहाँ उनकी सरकार आएगी, तो कुछ भी वादा कर दो, देना तो पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे वादा कर। और इस बीच बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 बागी नेताओं पर बीजेपी ने लिया एक्शन, प्राथमिक सदस्यता से पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप जो होती है उससे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वेंसडे से राहुल चौहान को निकाल दिया गया। तो मुल्ताई विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां के 3 नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं, रमेश गवहाड़े, उर्मिला गवहाड़े, सुरेंद्र गवहाड़े, ये शामिल हैं। राहुल चौहान दरअसल भैंस देही से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी ने दिखा दिया है बाहर का रास्ता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर ये एक्शन लिया गया है। बैतूल से ऋषु नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ऋषु, बगावत पर कार्रवाई की गई है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और ऐसे बाकी बीजेपी में नहीं रहेंगे, ये संदेश दे दिया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा एक्शन ये हुआ है इस बार चुनाव में। जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो राहुल चौहान जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे पिछले विधानसभा चुनाव के समय, और अब इस बार भी वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह महेंद्र सिंह चौहान को टिकट दिया गया। इस कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार चुनावी मैदान में कूदे, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा, 6 साल के लिए निष्कासन हुआ है। इसके अलावा मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के एक ही परिवार के जो 3 भाजपा लीडर्स हैं जिनमें रमेश गवाड़े, उर्मिला गवाड़े और सुरेंद्र गवाड़े शामिल हैं, इन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, ये जो सभी नेता हैं इनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप लगे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आदेश पर इन्हें निष्कासित किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आदेश पर यह कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया। इधर छत्तीसगढ़ की तरफ फिर से लौटते हैं। चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार पर ईडी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव निष्पक्ष रखने की है। आयोग से ईडी के रोल को लेकर शिकायत की गई है और फैसला लेने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होती है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर जैसे आरोप लगाए हैं, इससे यह साफ है कि बीजेपी प्रदेश में अपनी हार से घबरा रही है। ये तो संवैधानिक संस्था है और चुनाव सही ढंग से हो, निष्पक्ष हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और इसीलिए हम उनके पास आए हैं कि जो शिकायत हमको करनी थी हमने उनसे की है, खास तौर पर जो ईडी का रोल छत्तीसगढ़ में हो रहा है उससे हमने उनको अवगत कराया है। अब फैसला लेने का की जिम्मेदारी उनकी। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। कोंडागांव में मतदान के दौरान 3 मतदान कर्मियों की सड़क हादसे में मौत हो गई और इस पर चुनाव आयोग ने मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। इलेक्शन कमीशन ने 3 कर्मचारियों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि ईवीएम मशीन जमा कर घर लौटते समय पही गांव में कर्मचारियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 3 शिक्षकों की
मौत हो गई। मतदान ड्यूटी के बाद लौट रहे तीन मतदान कर्मियों की सड़क हादसे में मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट कर शोक जताया है और लिखा है कि केशकाल में निर्वाचन कार्य से लौट रहे तीन मतदान कर्मियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दुखद सूचना मिली। इस हादसे में मृतक शिक्षक शिव नेताम, संत कुमार नेताम और हरेंद्र उइके की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर से दिल्ली की उड़ान रद्द करने के खिलाफ अब लोगों में गुस्सा भड़क गया है। सिर्फ तीन दिनों में ही उड़ान सेवा बंद होने से लोग नाराज हैं। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति जो लगातार इसको लेकर संघर्ष कर रही थी, अब जन संघर्ष समिति ने सद्बुद्धि यज्ञ कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी की है। दरअसल बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होने के बाद से अब तक महानगरों के लिए हवाई सुविधा नहीं मिल पाई और इससे पहले भी बिलासपुर भोपाल और बिलासपुर इंदौर के लिए शुरू की गई थी उड़ान सेवा, जहां उड़ानों को कुछ ही दिनों में रद्द कर दिया गया। बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई थी लेकिन चंद दिनों में ही उस फ्लाइट को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति है वो सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से धीरे धीरे जो फ्लाइटें शुरू की गई थी, इससे पहले बिलासपुर इंदौर को रद्द किया गया था, बंद कर दिया गया था, और एक बार फिर से दिल्ली से सीधी उड़ान शुरू की गई थी उसको भी बंद कर दिया गया। क्या कुछ उनके मन में रोष है और क्यों इस तरीके से बार बार छलावा किया जा रहा है बिलासपुर के साथ? देखिए, बिलासपुर से दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट की मांग बहुत लंबी थी, 4 साल से हम लोग मांग कर रहे, चालू हुई, 3 दिन में बंद हुई। कारण क्या बताया गया कि केंद्र सरकार ने जिस रूट पर हवाई जहाज आना चाहता उस पर अनुमति नहीं दी और कहा कि आप लंबा रास्ता लो, घूम के आओ। घूम के आने में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इस कारण अलायंस एयर ने फ्लाइट बंद कर दी। आज मैं ये सवाल करता हूँ कि आखिर केंद्र सरकार को बिलासपुर के हवाई सुविधा में विकास से क्या समस्या है? और ये जो तरीका हमने इसलिए अपनाया है कि अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग, सनातनी सरकार के लोग इस सनातनी पद्धति के यज्ञ से शायद सद्बुद्धि पाए। हम भगवान से, ईश्वर से मांग करते हैं कि यज्ञ देवता से मांग करते हैं कि वो केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जो जनहित का। इधर सीमित संसाधनों के बाद भी अबूझमाड़ की मलखंभ टीम जो है उसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टीम ने टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट को जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। मलखंभ की ये टीम छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले की है। नारायणपुर में अबूझमाड़ की ये टीम खेला करती थी जो आज पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। सीमित संसाधन होने के बाद भी कड़ी मेहनत और लगन से छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ की मलखम की टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टीम ने टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। हमारे साथ मलखम की टीम यहां पर मौजूद है, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं। यहां से जब आप लोग निकले थे तब आपने क्या सोचा था और अब इंडिया गॉट टैलेंट का खिताब आपने जीत लिया, तो अब कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के नाम एक ट्रॉफी ला पाए, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है। यहाँ से जब हम लोग गए थे तो इस प्रकार की सोच नहीं थी कि हम लोग ऐसे ट्रॉफी लेकर आ पाएंगे, मगर वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम लोग का पहला एपिसोड बीता वहाँ पे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जब पूरा वहाँ पे स्टेडियम में गूंज पड़ा और छत्तीसगढ़ का जो लोगों का रिस्पॉन्स आया पहले एपिसोड के बाद, उसके बाद एक हमारे अंदर आग सा लग गया कि नहीं अभी तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत चुनौतियां रही उसको, मतलब पहला एपिसोड को पार कर पाना वो काफी टॉप था हमारे लिए। एक बड़े मंच पर आप लोगों ने अपना हुनर दिखाया, तो कब से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे? इतने बड़े मंच पर अपना प्रदर्शन करने के लिए वाकई बहुत सालों का मेहनत लगता है और ये मेहनत हम 2017 से कर रहे हैं, जब से हमने मलखम शुरू किया है। क्योंकि जब हम मलखम शुरू किए थे तो वो इरादा नहीं था कि हम इतने बड़ी स्टेज पर जाएंगे, हमारा इरादा ये था कि हम एक कॉम्पिटिशन लेवल का तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक समय आने पर सभी को अपना पहचान बनाना लगता है अंदर से कि हमें अपना पहचान बनाना है और अपना आर्थिक स्थिति को
सुधारने के लिए एक रियलिटी शो का होना बहुत जरूरी है। तो हमने 2020 और 21 में हमने ये सोचा था कि मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जहां पर हमारा हुनर को बहुत पसंद करेंगे। हमें तो बहुत परेशानी आई, जैसे किसी को पैर में लगा, चोट लगा, लेकिन हम लोग वो सब ध्यान नहीं दिए। तो देखिए, संसाधन सीमित होने के बाद भी मलखम की टीम के खिलाड़ियों ने कभी हार नहीं मानी और एक बड़े मंच पे अपना हुनर दिखाया है जो पूरे देश में छत्तीसगढ़ के नाम को आज रोशन कर रहा है। कैमरा पर्सन एडविन के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।